बहुत कृपा करते हैं भगवान, तब अपने प्यारे भक्तों का दर्शन कराते हैं। धनादि संपत्ति में भी लोग मानते हैं भगवान की कृपा, वो कृपा होती है लौकिक, और जो अलौकिक है ये भगवान की कृपा है। कर्म योग, ज्ञान योग हर एक आदमी समझ सकता है, पर भक्ति योग नहीं समझ सकता। यह समझ से बाहरी की बात है। भगवान की बात आई उसमें वो कहता है कि मेरे समझ में बात आई नहीं, तो संत महात्मा उत्तर देते हैं ये समझने की बात नहीं है, ये तो मानने की है, स्वीकार कर लो, ये समझ में नहीं आई। ये तो सो जाने देव जनाई, वही जान सकता जिसको भगवान जाते हैं। बार बार बने हुए भेजाते हैं, बंसी बजाते हैं, खेलते हैं आपस में, हार जीत होती है बालकों के साथ में, और तो क्या महाराज ब्रह्मा जी चकरा जाते हैं, ब्रह्मा जी चोरी कर देते बालकों की बछड़ों की, इतने बड़े होकर गए चोरी करते बालकों की बछड़ों की, मोह में मोहित हो जाते हैं। बाजी में लीला करता है, खेल करता है, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े पढ़े लिखे पंडित मोहित हो जाते हैं, अरे वो जमुरा होता पंडित है ही नहीं, मोहित होते ही खेल सकता ही खेल खेलता है, अरे मोहित होता ही, अरे भगवान के भक्त होते हो जानते हैं, उनको ये आश्चर्य होता ही नहीं, कैसे भगवान प्रकट हो गए, किसके आगे सामने कैसी बात हो गई, ऐसे हम लोग बिल्कुल भरे भरे समझते नहीं। इंद्र ने बरसा बरसाई सबको डुबो दूंगा ऐसा विचार, नियत खराब, परंतु नियत खराब होने पर भी भक्तों को भगवान को सबको एकदम मिला दिया, सबको इकट्ठे कर दिए, जिसमें भगवान राजी हो गए, भक्तों को इकट्ठा कर दिया तो भगवान उसे राजी हो गए, और ब्रह्मा जी राजी हुए, तुमने भक्तों से वियोग कर दिया, ब्रह्मा जी दर्जा ऊंचा, पर श्रेष्ठ होने पर भी भक्तों के भगवान ने वियोग कर दिया आपस में, वियोग कर देने से उतने राजी नहीं हुए, एक विचित्र बात है। ऐसे भगवान राजी हो जाए, खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, अलौकिक कृपा हो जाए भगवान की, अलौकिक तो भगवान की अलौकिक कृपा विलक्षण है, तो मनुष्य समझ नहीं सकता, समझ से बाहर की बात है, मान लेता बस, मान दे मान दे मात्र से दरिया हो जाए, तो आज ये मान ले हम भगवान के जन्म में साथ में हो गए, तो कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है, कितनी विचित्र बात है। यह कोई हमारे उद्योग से नहीं होता है, लौकिक बातें भी सफल हो रही है, सार्थक हो रही है, लोगों को ये दिखता है कि पैसों के कारण से ये सब बात हो रही है, पर पैसे सफल हो रहे हैं, सब भगवान कृपा करते हैं, कृपा करके ये सबों को देते हैं, जो भगवान को याद करते हैं, भगवान की बात करते हैं, भगवान का जन्म मनाते हैं, भगवान का उत्सव मनाते हैं, भगवान की बात में खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, लौकिक बात है साफ बिल्कुल लौकिक, बिल्कुल लड़क एकदम बात, लड़का लड़की जैसे बात करते वैसे बात करते हैं, वैसे जन्म होता है, वैसे विवाह होता है, वैसे क्रिया होती है, सब क्रिया वैसे लोग होती है, लोग होते हुए भी कितने भी लोग भीतर में कितना पुण्य पवित्रता भरी हुई है, जिसे कोई परवाह नहीं है, तो सज्जनों ये मौका कोई भगवान की कृपा से मिलता है, बिना हरी कृपा के ये बातें मिलती नहीं, आदमी जान नहीं सकता, पहचान नहीं सकता इन बातों को, भगवान की कृपा होती है, कृपा में एक आनंद होता है, तो भाइयों ये आनंद मामूली नहीं है, भीतर में गहरा राज भरा हुआ है। जो भगवान को नहीं मानते उनको ये समझ नहीं आती बात, और भगवान को मानने वालों में बड़ी सीधी सरल बात है, सरल होते भी बहुत विचित्र सबको आनंद देने वाली बात है, तो भगवान की बहुत विशेष कृपा होती है, वो इस मार्ग में आता है, नहीं तो पता नहीं लगता, पता ही नहीं लगता भगवान के प्रभाव को, क्या जाने
ब्रह्मा जी भूल गए, इंद्र भूल गए, जिन्होंने पहले बहुत प्रार्थना करी है, महाराज अवतार लो, आफत हो रही है, दुनिया मात्र दुखी हो रही है, सब दुनिया के प्रकाश मिल जाए, आप पर आ जाओ तो सुख शांति मिल जाए, दुख मिट जाए, ऐसी प्रार्थना करते ब्रह्मा आदि की सब, परंतु भगवान के लीला भूल जाते, देवता दिन भूल जाते, सब याद ही नहीं रहता। यदि याद रहे तो ब्रह्मा जी चोरी करे, इंद्र तो विरोध करे, भगवान ही खेल है, तमाशा है, उस तमाशे के बीच में मोह के कारण से आदमी उसे मोहित हो जाता है, उसे बड़ी भारी समझ लेता है, ये भगवान की अलौकिक दृष्ट कृपा। ऐसे अवसर में भगवान के साथ हम जो जब साथ में खेलते हैं, साथ में काम करते हैं, सज्जनों ये देखने में तो देखती है मामूली, परंतु इसमें अलौकिकता भरी हुई है, और इसमें प्रभाव देखे तो कितना प्रभाव भगवान का, कैसी विलक्षण कृपा है। यशोदा मैया को लाला कहते हैं कि माँ मेरे पद की जूते तुम गऊओं के पैर, क्यों गाया तो बेटे बेचारे बिना जूती फिरे, अरे मैं जूती पहनूंगा, गायों के चरण में जावे तो जूती पहनना ठीक नहीं है, भगवान जूती नहीं पहनते, ऐसे पैदल घूमते हैं। तो मैया कह रहे लाला सबके जूती कैसे करावे, बोले भाड़े लिखे भगवान लीला करे, मनुष्य भी ऐसा नहीं कहता कि मेरे जूती कराओ तो गऊओं की जूती कराओ, इन वो जूती पहनाओ, ऐसी बात कहता नहीं, इन बातों की तरफ वो प्रविष्ट नहीं होते, समझते ही नहीं। भगवान कहते हैं तो भगवान को भोला समझते, भोला है बाल बेटा, पर समझता नहीं है, नंद बाबा और समझते है ये बच्चा है भोला है, समझता नहीं। तो ऐसी अलौकिक भगवान की लीला, तो अलौकिक बात मान लोग बात को समझते ही नहीं, तो ऐसी विचित्र जी महिमा है, ऐसे भगवान का आज अपने उत्सव आ रहे, कितनी विलक्षण कृपा है। प्राकृत्य खास प्रेम प्राप्त करने के लिए होता है। गीता माया है कि मामेकम शरणम ब्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुच। तो शरण में जाना काम भक्त का है और सब पापों से मुक्त करना काम भगवान का है, परंतु प्रेम करने का काम दोनों का है। भगवान भी प्रेम की भूख है और भक्त तो है ही। प्रेम ऐसी चीज है, नारद जी कहते हैं प्रतिक्षण वर्धमानम, ये प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता है। मोक्ष का आनंद तो शांत सद घन चिद घन आनंद घन सम शांत अखंड आनंद है, और प्रेम का आनंद अंत आनंद है। अंत का मतलब कि अंत आता ही नहीं। संतों ने कहा है कि प्रेम रूपी एक चंद्रमा है, वो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, वो बढ़ता ही रहता है, पर इसमें पूर्णिमा नहीं आती, पूर्णम नहीं आती, पूर्णिमा आने पर समाप्त हो जाता है। इस वास्ते जी तो बढ़ता ही रहते, प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, श्री शंकराचार्य लिखते हैं कि दिने दिने नवम नवम, दिन प्रतिदिन नया 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 नया, तो भगवान नए नए रहते हैं। तब जो प्रतिवर्ष में जन्म लेते भगवान सदैव जन्म लेते, और लीला सदाई होती है, प्रेम सदाई होता है, इस आनंद ही आनंद है इसमें।
तो प्रेम लिए, प्रेम के लिए भगवान का हम जन्म मनाते हैं। कहते भगवान तो अजन्मा है, शास्त्र मानता है कि वो अजन्मा, उसका जन्म मरण नहीं होता। ये सर्वभाव विकार जीव के होते हैं, जायते अस्ति वर्धते विपर्यवते अपक्षीयते विदर्श्यति च। मन पैदा होता है, प्राणी पैदा होता है, फिर उसकी सत्ता में वो मौजूद है, फिर वो बढ़ रहा है, फिर अवस्थांतर हो रहा है, फिर उसे अपक्षय होता है, फिर मृत्यु हो जाती है। तो ये छह विकार भगवान में नहीं होते, जीव के होते हैं जो जन्म लेता है। तो ऐसे जन्म में तो भगवान में ही विकार होंगे, नहीं भगवान निर्विकार है, विकार उसमें नहीं होता। भगवान के भक्त में भी विकार नहीं होता, भगवान में विकार कैसे होगा? तो फिर जन्म क्यों मनाते हैं? तो एक बड़े रहस्य की बात है, हम जो प्रेम करते हैं, हमारा प्रेम की भगवान के प्रति आकर्षण होता है, तो आकर्षण वहां होता है जहाँ कुछ तो हमारे सादृश्य वस्तु कुछ वो विलक्षण होती है, तब उसमें आकर्षण होता है। तो भगवान में विलक्षणता तो सभी मानते हैं, परंतु हमारी जातीयता भी होनी चाहिए। तो भगवान से हम प्रेम करें तो भगवान हमारी जाति के, हमारे संबंधी है, तो हमारे समान भी है। तो समान किस बात में है कि हम जैसे जन्म लेते हैं भगवान के ही हम जन्म मनाएंगे, इसमें हम भगवान साथी हो जाते हैं। और भगवान अजोपी सन नब्बे आत्मा भूतानाम ईश्वरोपी सन प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्या कुम्माया। अजोपी सन अज रहता हुआ ही भगवान के जन्म होने पर भगवान का अज बना, जन्म रहित बना, मिटता नहीं। अज सन्नेव अज होते हुए अध्यात्मा होते हुए अंतर्ध्यान हो जाते हैं, उनका कोई अभाव नहीं होता। और सबका ईश्वर मालिक होते ही आज्ञा पालक हो जाते हैं। भगवान अपने माता पिता की आज्ञा टाल नहीं सकते, ईश्वर होते उस समय भी जैसे केकई माता की आज्ञा पालन करने के लिए भगवान वनवास में जाते हैं, तो आज्ञा भी केकई और दशरथ जी के ऊपर भगवान जो शासन है वो शासन वैसा ही है, है तो वो आज्ञा पालक, पर आज्ञा पालन के समय ऐसा नहीं है कि भगवान में कुछ विकृति आ जाए, तो विकृति आती ही नहीं। तो भूतवा नाम ईश्वरोपी सन, ये सन है ना, इसका अर्थ होता होता हुआ, अज होते हुए जन्म लेते हैं, अव्यय आत्मा होते हुए अंतर्ध्यान होते हैं, सबके ईश्वर होते हुए भी आज्ञा पालन करते हैं, बच्चे की तरह होते हैं। भगवान कृष्ण भी सांदीपनी के यहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं तो गुरु आज्ञा पालन करते हैं। गुरु वाली जो माँ से भी विशेष आदरणीय गुरु पत्नी होती है, उसी आज्ञा पालन करते हैं। उसी आज्ञा से पहले गए हुए बालकों को लाकर के मिला देते हैं, तो वे ईश्वर होते हुए भी दास बन जाते हैं। तो दास बनने पर भी उनका ईश्वरपना है, जो का जो रहता है वो अक्षुण्ण ऐश्वर्य है, उनका ऐश्वर्य कम नहीं होता। इस बार से ईश्वर प्रसन्न। फिर बात ये छठा श्लोक है,
इसमें छह बातें हैं, तीन भगवान की, तीन प्रकृति की, एक प्रकट होने की। तो अज होते हुए, अव्यय आत्मा होते हुए, संपूर्ण की ईश्वर रहते हुए, है जो रहते हुए, प्रकृति को अपने वश में करके और प्रकट होते हैं। और जीव है प्रकृति ज्ञान भी प्रकृति को वश में नहीं करते, प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। जीव प्रकृति परवश होकर के जन्म लेते हैं, भगवान प्रकृति को अपने अधीन करके जन्म लेते हैं। इस बार सत्युषा पुरुषोत्तम से नारायण से महिमा नहीं मान लेती, सत्युषुख बपुषा उनका शरीर है वो भी सत्यु आनंद रूप है। चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, वो विगत विकार है परंतु उसको अधिकारी जानते हैं। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया स्वामृत, योग माया से अच्छी तरह से आवृत होते हुए वे सबके सामने प्रकट नहीं होते। मनुष्यों के सामने अपनी माया रखते हैं, योग माया, इस वास्ते मनुष्य उनको भगवान नहीं समझ सकते, माया समाप्त। तो सबके सामने प्रकट नहीं होते तो भक्तों के सामने होते। ना हम प्रकाश सर्वस्य, तो सबके सामने वो भी जब भगत होते तुम्हें के सामने, तेव्यम सदविदु कृष्ण अध्यात्म कर्म चाहिए, वे सब जान जाते हैं। तो जीवों के सामने क्यों नहीं प्रकट होते? इच्छा द्वेष समुत्थे न द्वंद मोहे न भारत, इच्छा और द्वेष, राग और द्वेष, काम और क्रोध, ये द्वंद है। दो दो अनुकूलता प्रतिकूलता, ठीक और बेठीक, हर्ष और शोक, लाभ और हानि, जय और पराजय, सुख और दुख, ऐसे ये द्वंद है। दो दो चीज है द्वंद। ये द्वंद्वों से मोहित होने वाले जीव उस परमात्मा को नहीं जान सकते। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधा त्रिमुच्यते, महाबाहो निर्द्वंद होते हैं वे बंध से मुक्त हो जाते हैं। तो ये द्वंद्व को मैं इच्छा देश समुत्थे न द्वंद मोहेर भाग सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति, उत्पत्ति के समय द्वंद्व से मोहित होने के कारण ये भगवान दिखते नहीं। भगवान तुमको दिखते नहीं, भगवान अपना भी दर्शन को कराते नहीं। तो भगवान ने जानने के लिए दो पर्दे आ जाते हैं। एक पर्दा तो जीवों के राग द्वेष का है, और एक भगवान अपनी माया से समाप्त हो जाते हैं। वो माया जीव का वो यवन का सन्ना जैसे चिक होती है, बांस की चटाई की तरह चिक होती है। तो चिक के भीतर रहने वाला तो बाहर को नहीं देखता, परंतु चिक के भीतर बैठे हुए से बाहर को देखते हैं। कांच होता है अंधेरा का, जिसमें दूसरे देखते बाद बार बार उनको नहीं देखते। तो इस तरह से भगवान को सब जाने, वेदा हम समझेता नहीं, वर्तमान आने चार जना भविष्यार्थ भूता नहीं, मैं सबको जानता हूँ, जो बीत चुके उनको भी जानता हूँ, वर्तमान में उनको भी जानता हूँ, भविष्य में हो उनको भी जानता हूँ। भगवान के ज्ञान से कोई ओझल नहीं है, वो नित्य प्रकाश स्वरूप है। तो भगवान तो जानते हैं, परंतु ना हम प्रकाश सर्वस्य, सबके सामने मैं प्रकट नहीं होता हूँ। योग माया तो ये तो माया का पर्दा है, और एक इच्छा द्वेष मुत्थे न द्वंद मोहे न, एक ये द्वंद मोह का पर्दा है। द्वंद मोह का पर्दा तो ज्ञानी भी दूर कर देते हैं,
परंतु भगवान के दर्शन कराने में योग माया समाप्त रहने से वो जीव उसको दूर नहीं कर सकता। वो जब उनको चाहता है तो भगवान अपना पर्दा दूर आप कर देते हैं। जैसे कोई बड़ा भारी शहर है, समझ लो कि बीकानेर है, जब राजधानी थी तो बीकानेर के चारों तरफ परकोटा है, उनके दरवाजे होते हैं, तो दरवाजों को भाई 10 बज गया तो दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो बंद हो जाते हैं तो एक तो वो राज का परकोटा होता है और एक जितने घर है गांव में शहर में उन घरों का भी दरवाजा होता है, उनका भी परकोटा होता है, दरवाजा होता है। तो राज जो चाहे तो अपना दरवाजा खोल दे, उसका घर का दरवाजा तोड़ दे, परंतु जो प्राणी एक एक है घर के मालिक है, वो अपने घर में रहते हैं तो घर का एक दरवाजा है, एक बार का है, तो अपना दरवाजा तोड़ने का तो अधिकार ज्ञानी को भी है। अपना दरवाजा तोड़ देते हैं तो वो मुक्त हो जाते हैं, उनकी परवशता मिट जाती है। अवसर आता है ना प्रकृति वशात, प्रकृति ये भुगत ये तो अवसर जो ये अवश होता है वो अवश पड़ा तो ज्ञानी का भी मिट जाता है, वो परवश नहीं रहते, प्रकृति के अज्ञान के वश में नहीं होते, तो वे स्वतंत्र हो जाते हैं स्वयं। पर स्वतंत्र होते हुए भी भगवान के दर्शन हो जाए ये बात नहीं है। इस वास्ते ज्ञान का वर्णन जहाँ आया है गीता में, वहाँ प्रकृति स्थान वहाँ प्रकृति ज्ञान का वर्णन आया है, तो वहाँ ततो माम तत्व तो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, तत्व से जान करके प्रविष्ट हो जाते हैं तो स्वतंत्रता में वो प्रविष्ट हो जाते हैं, स्वतंत्रता उनकी सर्वथा मिट जाती है। स्वतंत्रता राग द्वेष से होती है, उस दिन के राग द्वेष सर्वथा मिट जाते हैं, वो भगवान को वो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तो इच्छा द्वेष समुत्थे न दंडमोह है, तो वे दंडमोह से द्वंद्व विमुक्ता भक्ति भी द्वंद्व से रहित हो जाते हैं, और भगवान की अंत नहीं है तो वो द्वंद्व से रहित भक्ति और ज्ञानी भी हो जाते हैं। परंतु भगवान को वे देखना चाहे तो वो अपने अधीन की बात नहीं है। घर से तो बाहर आदमी निकल सकता है, पर शहर से बाहर निकलने के लिए तो दरवाजा परकोटा होता है, वो दरवाजा अपने हाथ का नहीं होता, वो दरवाजा वहाँ के राजा के हाथ में होता है। ऐसे अपना अज्ञान मिटा करके ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु परमात्मा का प्रेम प्राप्त करने के लिए उनकी उत्कंठा के बिना उनको नहीं होता। इस वास्ते भक्ति में तीन बात बताई है, ज्ञान में दो, ततोमाम तत्व को ज्ञात्वा विशते, और भक्ति में भक्त्या तन्नया शक्य अहम एवं विधो ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतथा। अनन्य भक्ति में भगवान देखने के लिए आते हैं, जानने में आते हैं, प्रवेश वो भी हो जाते हैं। तो ये देखने में आते हैं, ये भगवान पर्दा दूर करते हैं तब होता है। नमे विदु सुरगना प्रभुमग्न महर्षया, दसवें अध्याय में कहा है मैं सबके सामने प्रकट हुए हूँ, तो नमे विदु सुरगना देवता भी नहीं जानते, महर्षि भी जानते, और मैं जानता हूँ। वह एक पद लक्षण आया है विदु देवान दानवा, देवता नहीं जानते, दानव भी नहीं जानते, तो दानव कोई भगवान के जानने के अधिकारी है क्या? उनके क्या भगवान के दर्शनों की इच्छा होती है? नहीं, इच्छा ही नहीं होती। तो विदु देवान दानवा,
ये देव और दानव नहीं जानते दानव का नाम कैसे आया। तो दानव का मतलब है ये या माया संबरस्ते से या माया नमुसे रपी इनमें जो देव और दानव हो गए तो दानव है और एक दैत्य है तो दिति के पुत्र हुए दानव हुए दैत्य हुए और दनुज और कश्यप जी दूसरे स्त्री से उसे दानव हुए हैं। तो दैत्यों में तो हिंसा की मुख्यता होती है दानवों में स्वार्थ की मुख्यता होती है और दानवों में माया भीषण होती है। वो माया से कई तरह की रचना कर देते हैं विचित्र विचित्र आश्चर्यजनक जनक जैसे रावण आदि के युद्ध करते समय आपने देखा उनकी वर्षा आ जाती है कभी आग बरसती है कभी धूली बरसती है कभी अंधेरा छा जाता है कभी हनुमान जी प्रकट होते हैं मारा भगवान राम जी को हनुमान जी सेना ने घेर लिया। तो ऐसे दानवों में वो शक्ति होती है विलक्षण प्रकट होने की अंतर ध्यान होने की बड़ी अलौकिक शक्ति होती है। तो देवता उस विषय में बड़े बलवान होते हैं वैसी माया शक्ति मनुष्यों के पास नहीं होती राक्षसों के पास भी नहीं होती दानवों के पास होती है। तो भगवान के देवान दानवा कहने का तात्पर्य उनमें जो विलक्षण शक्ति होती है वो कई तरह के रूप धारण करने कई तरह से प्रकट हो जाते हैं तरह तरह की वह हो जाती है तो ये बात होती है। परंतु भगवान के जानने में उनकी माया काम नहीं करती संसार में माया भगवान की प्रकृति के अंतर्गत उनकी माया होती है। भगवान प्रकृति स्वाम अवस्तव्य भगवान प्रकृति को अपने वश में करते हैं वे दानव कितने ही हो वे प्रकृति के वश में होते हैं। इस वास्ते दानव भी उनको अपनी बड़ी विलक्षण शक्ति रखते हुए भी नहीं जानते। इसका तात्पर्य है कि जीव अपनी शक्ति से परमात्मा को नहीं जान सकते वास्ते भगवान अपनी कृपा से ही प्रकट होते हैं कृपा से ही जान लेना से। तो ये भगवान की विलक्षणता है। तो संपूर्ण जीवों पर कृपा करके संपूर्ण का उद्धार करने के लिए भगवान अवतार देते हैं। तो हम जन्म मनाते हैं उनका हमारे समान और मनुष्य हमारे समान खेलने कूदने से जैसे भगवान के साथ सोचा प्रेम कर सके ये और साथ में ऐश्वर्य बना भी होता है माधवी बना भी विलक्षण होता है भगवान की अलौकिक शक्ति है उस वास्ते हम प्रेम कर सकते हैं। हमारा प्रेम हो जाए ऐसे हमारे को प्रेम प्रदान करने के लिए भगवान जन्म की लीला करते हैं। नारायण 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 भगवान प्रकट होते हरे ओ प्रभु जय जय भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट शरण में दूर करे ओ जय जगदीश हरि हे भगवान।
महिमा सचंद्र पूर्वे सचारोदनम देवकी परमानंदम विष्णु वंदे जगद्गुरुम श्री कृष्ण।
कृष्ण मुरार भगत हित कारण जन्म श्री कृष्ण मुरार भगत हित कारण मथुरा मलियो अवतार गोकुल झूले पाल नखत आधीरात जन्म लियो शुभ की घड़ी रोहिणी नखत आधीरात जन्म लियो शुभ की घड़ी धन्य देव की वसुदेव जय हरि अवतार धरे धन्य देवकी वसुदेव जय हरि अवतार धरे धन्य यशोदा बाबा नंद महर घर पगल्या करे धन्य यशोदा बाबा नंद महर घर पगला करे धन्य धन्य सुर नर मुनि सब जय जय कार करे धन्य धन्य सुर नर मुनि सब जय जय जत आकाश सुमन सुर बरका करे तुम दो भी बजत आकाश सुमन सुर बरका करे ब्रजवासी गोरस भर भर कर लावही ब्रज वासी गो रस भर भर कर दधि का दो बाबा नंद के सुखी चमचावही दधि का दो बाबा नंद के सुखी चमचावही बाजत ताल मृदंग बिन डफ बांसुरी बाजत ताल मृदंग बिन डफ बांसुरी निरतत गोपी ग्वाल चरण सीत चावरी तत गोपी गान चरण सीत यशो मती चीर पहिराय नोरंग भई भामिनी यशो मती चीर पहिराय नोरंग भई भामिनी बदन निहार चकित भई मामिनी सुंदर बदन निहार चकित भई
असुर दल खंडना श्री बलभद्र जुके वीर असर असुर दल खंडना भक्त वत्सल महाराज यादव कुल मंडना भक्त वत्सल महाराज यादव कुल वंदना शंकर धरत है ध्यान सुगोद खिलावही शंकर धरत ध्यान सुगोद खिलावही सो मुख चुमति माय सुफल ना झुलावही सो मुख चुमति माय सुफल ना झुलावही श्री नंद यशोमति ने है चरण चितलावही यशोमति ने है चरण चितला हरि गुण मंगल गान गोविंद गुण गावही हरि गुण मंगल गान गोविंद गुण गावही जन्मे श्री कृष्ण मुरार भगत हित कारण जन्मे श्री कृष्ण मुरार भगत हित कारण मथुराम लियो अवतार गोकुल झूल पालने मथुराम अवतार गोकुल झूल पालने मथुराम लियो अवतार गोकुल झूल पालने